में नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को नहीं भा रहे हैं। यह जोगी जी नौकरी में जरूर जो है नौजवान बेरोजगार हुए हैं, नौकरी के सवाल पर जोगी जी जो है पारदर्शिता साबित किए, लिस्ट फरवा करके जाति के नाम पर व्यक्ति के नाम पर नौकरी नहीं दे पाए, इसलिए ये दोषी जरूर है। यह जोगी जी पीडब्ल्यूडी के माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या जी बैठ करके और अपने वहाँ सेंशन करते हैं, यदि सपा के सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी यही मुख्यमंत्री थे तो पीडब्ल्यूडी विभाग जब शिवपाल से इन्होंने लिया तो यही बीच के अरविंद गिरी को रखे थे कि पहले उनके यहाँ हिसाब किताब कर लो तब वो फाइल आगे आएगी। ये जोगी जी नहीं कर पा रहे हैं। यह जोगी जी जहाँ तक विकास की बात है, जनप्रतिनिधियों पर मेरा सवाल नहीं है, यह सीधे सीधे जनप्रतिनिधि मैं जो भाई अभी सवाल किए थे उनसे पूछना चाहता हूँ कि भीषण कोरोना की महामारी में जहाँ देश में मरने की सिलसिला जारी था, एक मुख्यमंत्री बैठ करके बैठा नहीं, घर में दौड़ता रहा, भले उसको पूर्ण नहीं कर पाया, सबका सहयोग नहीं कर पाया, लेकिन उस महामारी में बैठ करके माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी घर में ट्विटर से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन कोरोना में किसी जनपद में अपने कार्यकर्ताओं के बीच में अखिलेश यादव जी नहीं गए। माननीय फ्री का अनाज गरीबों को दिया जा रहा है उसका जिक्र नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी 5 साल कार्यकाल में रहे, क्या 5 साल में गरीबों को फ्री का राशन उन्होंने दिया, ये दिखाई नहीं देता है। यदि जोगी जी ने भ्रष्टाचार कसने के लिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए यही आरटीओ बनारस का 1 अरब रुपया लूटा था और पंचम तल से उसका डायरेक्ट संबंध रहा था, जोगी जी ने उसको यदि बंद कराया, भ्रष्टाचार बंद किया तो जोगी जी वो तमाम बातें ठीक है कि उन्होंने भ्रष्टाचार रोकी, अच्छी बात है, लेकिन आखिर विकास की लकीर क्यों नहीं खींच पाए? जैसा भाई साहब ने बताया इन्होंने कि यहाँ की जो गड्ढे मुक्त सड़कें की बात हुई थी, उन्होंने 1 इंच ना तो सड़कें बनवाई ना गड्ढा मुक्त सड़कें हो पाई। 1 इंच ये सरकारी भाई भी हैं, मानव भी हैं, इंसान भी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, यूनियन भी चलाते हैं, इस नजरिया से देख रहे हैं। हम लोग यहाँ हैं, देख रहे हैं कि गड्ढा मुक्ति के सवाल पर यही जिला पंचायत में 6 करोड़ रुपया का टेंडर हुआ है गड्ढा मुक्ति के नाम पर। अभी जो है कि नहीं, एक एक सड़क आपको दिखाऊंगा जहां गिट्टी पड़ी है, लेकिन अभी उसका कार्य पूरा नहीं हुआ है। और इस तरह का केवल बयान टीवी में दे करके किसी को बदनाम करना, मैं आपको बता दूं, आज अभी मैं लकीर जो विकास की बात करते हैं, गाँव में जाएंगे, गाँव के लोग यह साबित करेंगे कि